أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى मनाबिल्वल आखिर खौफ कह दे ए अहले कह दे ए किताब वालों तुम किसी राह पर नहीं जब तक कायम करो तौरात तो और इंजील को और जो तुम पर उतरा तुम्हारे रब की तरफ से और उनमें बहुतों को बढ़ेगी उस कलम से जो तुझ पर उतरा तेरे रब की तरफ से शरारत और कुफ्र सो तो अफसोस न कर उस कौम कुफ़ार पर बेशक जो मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और फिर साबी और नसारा जो किताब, जो कोई ईमान लावे अल्लाह पर और उस क़यामत पर और अमल करें नेक ना उन पर डर है और न वो गमगीन होंगे पहली आयत करीमा जो अड़सठ अच्छा, 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 अच्छा नंबर की आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला ने यहूद नसारा को शरीत इलाहिया के इत्तबा की हिदायत इस से फरमाई गई थी कि अगर तुमने अहकाम शरिया की पाबंदी की न की तो तुम कुछ नहीं मतलब यह है कि शरीय इस्लाम की पाबंदी के बग़ैर तुम्हारे कमालत और आमार सब इकारत हैं तुमको अल्लाह कमाल फितिरी यह फ़रमाया है कि अम्बिया आरिस्लम की औलाद हो दूसरे तौर तील के इल्मी कमाल भी तुम्हें हासिल हैं तुम में से बहुत से आदमी और दुर्वेश मुंच भी हैं मुजाहदात तो और रियाजात करते हैं मगर उन सब चीज़ों की कीमत और वजन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस पर मौकूफ़ है कि तुम शरीय इलाहिया का इतबा करो उसके बगैर न कोई किसी उसके बगैर न कोई नसबी फजीलत काम आवेगी न इलमी तहक़ीक़त तुम्हारी निजात का सामान बनेगी न तुम्हारे मुजाहद और रिजाजात। इस इरसाद में मुसलमानों को भी ये हिदायत मिल गई कि कोई दुरवे और सरूक तरीकत मुजाहद और रियाजात और कशफ़ो इनहाम उस वक्त तक अल्लाह के नज़दीक फ़जीलत और निजात की चीज़ नहीं जब तक कि शरीयत की पूरी पाबंदी ना हो इस आयत करीमा में यानी अड़सठ नंबर की आयत में शरीय इलाहिया की पैरवी के लिए तीन चीज़ों के इतवा की हिदायत की गई है अव्ल तवरा दूसरे इंजील जो यहूदो नसारा के लिए पहले नाजिल हो चुकी हैं तौर हजरत मषा सलाम पर नाज़िल हुई इंजील हजरत ईशा सलाम पर नाजिल हुई तीसरी माउन जिला कुमर रबी कुमयानी जो कुछ अल्लाह तारा की तरफ से तुम्हारे पास भेजा गया यानी क़ुरान पाक अहकाम की जितनी भी कुरान और अजीज़ के अंदर चीज़ें हैं उसका खुलासा तीन चीज़ें हैं एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने जो अपनी ज़बान से कहा और क़ुरान पाक ने जो चीज़ें कही वो सारी चीज़ें ये शरीय इलाहिया के अहकाम हैं आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु की तसल्ली के लिए इरशाद फरमाया यानी अड़सठ नंबर की आयत में अहले कि किताब के साथ हमदर्दी इस रियायत और इनायत के बावजूद उनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उस इनायत फ़ायदा ना उठाएंगे बल्कि उनका कुफरनात और, और बढ़ जाएगा आप उसे गमगीन ना हो और ऐसे लोगों पर तरस न खाएं नबी करीम अलैहि वसल्लम चूँकि नहायत रहीम और करीम थे शफीक थे उम्र पर और हर मुमकिन ये कोशिश फरमाते थे कि ये लोग जो गुमराही और जलालत के रास्ते पर चल रहे हैं ये सब के सब राह रास्त पर आ जाएँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुँचती थी कि मैं इतनी कोशिश करता हूं इतना समझाता हूं इतना समझाने और कोशिश करने के बावजूद भी मेरी बात ये लोग नहीं मानते हैं इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचती थी अजियत पहुँचती थी अल्लाह ताला ने तसदी दी फला फलाताउमिल काफरीन क्या ऐसे काफिरों पर तरस न खाएँ आपका काम क्या है सिर्फ पहुँचा देना दावत को लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है हिदायत देना न देना यह अल्लाह की ज़िम्मेदारी है अल्लाह जिसको चाहेंगे हिदायत देंगे जिसको चाहेंगे गुमराह करेंगे उसके बाद जो दो नंबर की आयत पढ़ी गई उनहत्तर उनहत्तर नंबर की उसमें चार कौमों को मुखातब करके अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया सबसे पहले नंबर पर जिस कौम को खिताब फरमाया वो क्या है दूसरी आँचें करीमा तारा ने चार कौमों को मुखातब करके ईमान और अमन सारी की तरगीब और उस पर फलाह आखरत का वादा फरमाया सबसे पहली चीज़ क्या है अदलजीन आमनु यानी मुसलमान हैं दूसरे नंबर पर यहूदी तीसरे नंबर पर नसारा चौथे नंबर पर सबून इनमें इनमें तीन कौमें मुसलमान यहूद नसारा मरूफ़ और मशहूर हैं और दुनिया के अक्सर खत्ों में इनका वजूद है साइबून या साइबा के नाम से आजकल कोई कौम मरूफ नहीं है इसलिए इसकी तयम और आइमा के अखबार मुख्तलिफ हैं इमाम कसीर रहमत ला ने बहावार कतद ये कौल भी नकल किया है कि सब वो लोग हैं जो फरिश्तों की इबादत करते हैं और कबला के ख़िलाफ़ नमाज पढ़ते हैं और आसमानी किताब ज़बूर की तिलावत करते हैं जो हजरत दाऊद अलसलासलम पर नाजिल हुई थी और भी मुख्तम मुफसरीन के अखबार हैं लेकिन मुख्तर तौर पर मैंने इमाम कत रहा आई का ज़िक्र कर दिया इसके अलावा देखिए अल्लाह ने मुसलमानों को भी इसके अंदर इबरत दी कि मुसलमानों तुम लोगों को नाद नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह ताल से डरते रहना चाहिए अपने ईमान के खैर और फद के बका के लिए जो भी कोशिश करनी है नेकमाल करना वो काम करते रहना चाहिए सिर्फ अपने ईमान पर नाच करना अपने ईमान पर अकड़ना ये ठीक नहीं है जैसा कि यहूदों न सारा लोग अकड़ते थे कि सारी दुनिया के अंदर बेहतरीन कौम हम है। अवलाद हैं नबियों की औलाद हैं अल्लाह ताला के महबूब और मुकर्रब हैं तो अल्लाह ताला ने पहली आयत करीमा के अंदर भी और दूसरी आयत करीमा के अंदर भी मुसलमानों को ये इबरत दिलाने के लिए फ़रमाया कि सिर्फ तुम्हारा ईमान ही काफ़ी नहीं बल्कि ईमान के साथ साथ आमार सारह करना भी ज़रूरी है इसलिए मुसलमानों को अकड़ना नहीं चाहिए बल्कि ईमान के साथ साथ आमार सारिया भी अंजाम देते रहना चाहिए तो बरक़ खुलासे कलाम यह है कि अड़सठ और उनहत्तर नंबर की आयात में अल्लाह ताली ने यहूद नसारा को ख़िताब करके फरमाया कि तुम्हारी निजात का दार मदार इस बात पर है कि ईमान लाना तो पर ईमान लाना इंजीर पर और नबी करीबी वसम के ऊपर नाजिर होने वाली किताब पर भी ईमान लाना ज़रूरी है अपने अपने ज़माने में हर शरीत अल्लाह के नज़दीक महबूब थी जिस ज़माने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सलाम के ऊपर शरीत नाजिल हुई शरीत मसवी उस जमाने में, में कामयाबी के लिए ज़रूरी थी उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए उनके ऊपर किताब नाजिल हुई और उनके ऊपर शरीय नाजिल हुई तो शरीत ईसवी के ऊपर अमल करना ज़रूरी था उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने भेजा तो शरीत महमदिया के ऊपर अमल करना ज़रूरी है अपने अपने ज़माने में शरीत मौसमी भी सही थी शरीय ईसभी भी सही थी लेकिन जब नबी करीम सलील्हस दुनिया के अंदर तशीब लाए तो शरीय महमदिया ही कामयाबी के लिए ज़रूरी है जैसा कि कुरान के अंदर अल्लाह तुद फ़रमाते हैं व मैं अब तक दीन फ़नाकबरमिन हूँ कि दीन इस्लाम के लावा अल्लाह के नज़दीक कोई काबिलकबूल मज़हब नहीं अब अगर किसी को कामयाब होना है जन्नत के अंदर दाखिल होना है अल्लाह की रजा अगर किसी को चाहिए तो उनको चाहिए कि शरीय मोहम्मदिया सल्लाम पर अमल करे उसके बाद कामयाबी का यकीन करें और अगर किसी और मज़हब पर कोई अमल करेगा तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं और वो कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकता यहाँ तक के नबी करीम सल्ला ने फरमाया कि अगर मेरी ज़िंदगी में हज़रत मूसा आरसलाद सलाम भी होते तो उनको भी मेरी शरीयत पर अमल के बग़ैर कार ना होता यानी मुसार मुरसासी अगर दुनिया के अंदर रहते तो अपनी शरीयत पर अमल ना करते और अगर अपनी शरीयत पर अमल करते तो उनको कामयाबी ना मिलती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान लाना और उसकी मदद करना उसकी नुसरत करना और शरीत मोहम्मदिया सल्लाम पर अमल करना उनके लिए भी ज़रूरी होता इससे पता चला यहूदियों का नस्लानियों का जो नाज़ है और तकबर और जो गुरूर है और वो ये जो कहते हैं कि हम अल्लाह के लाडले हैं महबूब बंदे हैं हमको बस हमारी शरीयत काफ़ी है तो उनके लिए ये बात समझ लेनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो अब उसी शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है किसी और शरीयत पर अगर कोई अमल करेगा तो वह कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकता जन्नत उसके ऊपर जन्नत के अंदर दाखिले का हकदार नहीं होगा इसलिए ज़रूरी है चाहे वो यहूद हो चाहे नसरानी हो चाहे मुसलमान हो चाहे साईबून हो कोई भी फिरका हो उसको चाहिए कि नबी नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तात तो फरमावरदारी करे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सुन्य ज्यादा अमल करने की तोफ़ी अ फरमाए सुभान अल्लाह व बिहमदीही सुभानक अल्लाह हु बिहमदीक व